I'm just waiting for this particular recording to start. Okay, now that is done. So we are all discussing question number 4 in page number 163. It says, Mr. Deep and Mr. Karan were in partnership, sharing profits and losses in the proportion of 3:1 respectively. Their balance sheet as on 31st March 2018 stood as follows. Three external liabilities भी हैं, sundry creditors, bills payable, bank overdraft. हम लोग तीनों के तीनों को liabilities में लिखेंगे. Capital account दिया है, partners capital account, credit side, general reserve. बोलो, वो दिनों के बाद आया general reserve. सब लोगों ने post करो comment section में कहाँ और क्या करोगे general reserve को. जनरल रिजर्व कहाँ पोस्ट करोगे दोस्तों? वेरी गुड राज पांडे. यस, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट साइड. इट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमॉन्ग ओल्ड पार्टनर्स इन देयर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो. आई होप एवरीबडी रिमेंबर्स दैट. कल कौन पूछ रहा था पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में मेरे को डाउट है. Who was that student? Mahima Pandey, I think so. Mahima, are you there? Yes, sir. हाँ बोलो. अभी आपको जहाँ समझ में नहीं आता ना बेटा, वो जरा पूछना. Yes, sir. हाँ, अभी आता है आपको? हाँ सर, कल प्रैक्टिस किया था तो समझा. समझ और गया? वो हाँ सर, और जो कल आपने वो थ्योरी बोला था ना पढ़ने के लिए, हाँ. वो 2-3 बार किया और आपका वीडियो भी देखा. ओके, यही तो चीज मैं बोलता हूँ, थोड़ा मेहनत कर समझ में आ जाएगा. थैंक यू फॉर कंफर्मिंग दैट. आज के लेक्चर में अगर कोई चीज समझ में नहीं आया तो जरूर बोलना. ओके, यस सर, थैंक यू सो मच. और भी अगर कोई ऐसा डिफिकल्टी फेस करता रहेगा, कोई पर्टिकुलर जगह पे स्टकअप होता रहेगा तो जरूर बोलना. आई विल टेल यू द प्रॉपर वे टू डील विथ इट. ओके, कैश. कैश कहाँ पर आएगा दोस्तों? बहुत सिंपल है, कैश अकाउंट डेबिट साइड. बाकी सारे एसेट्स, डेटर्स, लैंड एंड बिल्डिंग, स्टॉक, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर, ये सब जो आएगा ये आएगा बैलेंस शीट एसेट साइड पे. बोलो, इफ यू हैव अंडरस्टूड द पोस्टिंग्स ऑफ बैलेंस शीट यू कैन गिव मी अ थम्स अप इन द चैट बॉक्स इमीडिएटली. ईशा, आई थिंक यू ऑल्सो वेर फेसिंग सम ट्रबल. प्लीज डू लेट मी नो. जिस पॉइंट में आपको तकलीफ होता है, जिस जगह पर आप लोगों को समझ में नहीं आता है, ऐसा लग रहा है, बिंदास बोलो. नहीं सर, अभी क्लियर है, एकदम क्लियर है. हाँ, मैं इसमें कर पा रही हूँ. वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी हैप्पी टू नो दिस. मतलब एक टीचर की खुशी आपको शायद समझ में नहीं आएगी, ये माँ बाप की खुशी जैसा होता है. जब उनके बच्चे अच्छा करते तो वो ज्यादा खुश हो जाते. तो थैंक यू फॉर दैट कंफर्मेशन. सिर्फ इतना है कि तुमको थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा, पढ़ाई जहां तक रिलेटेड है, एंड थिंग्स विल फॉल इनटू प्लेस. ओके, ग्रेट ग्रेट, सुपर. पेज नंबर 163, क्वेश्चन नंबर 4. देखो कितने तुम्हारे मदद करने के लिए भाग के आ गए. नंदिनी फेमस है तो एकदम. दे एडमिट शुभम इनटू पार्टनरशिप on 1st April 2018, the terms being that he shall have to bring 20,000 as his capital and 1/5 share in future profits and 10,000 as his share of goodwill. Shubham ne 20,000 rupees capital laya. Shubham ne 20,000 capital laya. So journal entry banega cash account debited to Shubham's capital account. जर्नल एंट्री बनेगा कैश अकाउंट डेबिटेड टू शुभम्स कैपिटल अकाउंट. पोस्टिंग करते वक्त कैश अकाउंट के डेबिट में लिखोगे और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में शुभम के कॉलम में क्रेडिट में आएगा. महिमा, पहला पहला दो अपन ओल्ड पार्टनर्स में लिखे, ये न्यू पार्टनर के कॉलम में आएगा. एकदम सिंपल है. गुडविल का बोलता है 10,000 रुपया लाया, आगे चल के कुछ बोला नहीं है मेरे ख्याल से, तो गुडविल हम लोग मानेंगे रिटेन्ड. रिटेन्ड मतलब दो एंट्री. रिटेन्ड यानी दो एंट्री, एक कैश अकाउंट डेबिटेड टू गुडविल अकाउंट
कैश के डेबिट में, गुडविल के क्रेडिट में, और दूसरा एंट्री आएगा गुडविल अकाउंट डेबिटेड टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो वापस गुडविल बांटते वक्त ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, अ प्रोविजन ऑफ 5% डाउटफुल डेब्ट्स टू बी क्रिएटेड ऑन सन्ड्री डेटर्स, न्यू आरडीडी क्रिएट करना है डेटर्स पे डॉट कर लो, फर्नीचर टू बी डिप्रिसिएटेड बाय 20%, स्टॉक शुड बी अप्रिसिएटेड बाय 5%, बिल्डिंग टू बी अप्रिसिएटेड बाय 20%। अभी मेरे ख्याल से तुम लोग बोलोगे सर ये तो बहुत इजी है, हम एकदम आराम से कर सकते हैं, कर सकते हो ना। और देखो हर क्वेश्चन में ना एक ही पॉइंट नया आएगा, बस उसको आप समझ लो, 95% क्वेश्चन तो सेम आता है दोस्तों। अब इस क्वेश्चन का नया भाग आ रहा है लास्ट एडजस्टमेंट में, बोलता है कैपिटल अकाउंट ऑफ ऑल पार्टनर्स बी एडजस्टेड इन देयर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो थ्रू कैश अकाउंट। तो कल तक जिसको अपन टू लोन अकाउंट लिखते थे, बस क्या फर्क पड़ेगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में लिखते वक्त आपको अब लिखना पड़ेगा टू कैश अकाउंट, लिखना पड़ेगा टू कैश अकाउंट। कैपिटल अकाउंट के डेबिट में जो डिफरेंस आएगा उसको आप कल तक टू लोन अकाउंट लिखते थे ना, अब लिखोगे टू कैश। अब टू कैश लिखा तो फर्क कहाँ पड़ने वाला है, मैंने थियरी के वक्त ही सिखाया था, फर्क पड़ेगा सेकेंड इफेक्ट में। हम लोग नहीं तबस्सुम, नहीं यही तो गड़बड़ है, नहीं सांगतो घाईचा काम धोक्याचं, अननेसेसरी है ना, आप गड़बड़ मत करो, ध्यान दो, कंसंट्रेट करो। टू कैश लिखा तो सेकेंड इफेक्ट, वर्किंग नोट नंबर वन, कैश अकाउंट में देना होगा। हाँ पार्टनर्स कैपिटल के डेबिट में होगा तो कैश के क्रेडिट में होगा, और अगर कैपिटल के क्रेडिट में आया तो कैश के डेबिट में, ऑपोजिट साइड में आएगा। टू कैश आया तो बाय कैपिटल, बाय कैश आया तो टू कैपिटल, यही इंपॉर्टेंट है। मैं इसलिए बोलता हूँ हर क्वेश्चन में एक चीज नया आएगा, उसको पकड़ लो, काम खत्म। बोलो क्वेश्चन सब लोगों के ध्यान में आ गया क्या? चलो आई एम ऑल्सो सॉल्विंग दिस फॉर मेनी स्टूडेंट्स हु हैव ज्वाइन न्यू, देर आर फ्यू स्टूडेंट्स हु हैव ज्वाइन न्यू एस्टरडे, डे बिफोर एस्टरडे। ऑफ कोर्स माय डियर फ्रेंड्स, दो हैव ज्वाइन न्यू, एक दिन में सब समझ में आने वाला है ही नहीं, थोड़ा सब्र करना होगा, जुना वीडियो देखना होगा, कॉन्सेप्ट समझना होगा, प्रोसेस समझना होगा, और उसके बाद चीजें काफी आसान है। अगर बाकी के 140 लोग कर पा रहे हो तो यकीन रखो आप लोग भी कर पाओगे, यू कैन ऑल्सो डू दैट, तुम्हें पन करू सकता, फक्त थोड़ा संयम, थोड़ी मेहनत आणि थोड़ा अपने स्वतःला कळायला पाहिजे। आई होप मानसी सावंत आर यू देयर, यस सर। हाँ हे मी खास तुझ्यासाठी बोललो आता जे मी बोललो, बिकॉज यू मे बी फीलिंग सर मला काही समजत नाहीये, इट इज डिफिकल्ट, पहिल्याच दिवशी बसून सगळं समजणं थोडं कठीण आहे, पण मी जे भाषा बोलतो ते तुम्ही जरा कॅच करायचा प्रयत्न करा, जुने व्हिडिओ आविष्कार सरांनी तुम्हाला पाठवलेले आहे ते बघा, थिअरी लिहून घ्या आणि मग तुम्हाला कळेल, ओके बेटा। हाँ घाबरायचं नाही, कारण हा पहिल्या लेक्चर मध्ये चान्सेस आहे की तुम्हाला नाही कळणार, ओके। और कोण नया आया है आज, कोई नया आया है कि एकदम, एनीबडी हु इज न्यू, मे बी ज्वाइंड यस्टरडे डे बिफोर यस्टरडे, ऐसा कोई है? फॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली, ओके अभिषेक, सेम गोज फॉर यू ऑल्सो बेटा, डरो मत अभी कि सर मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा है, अभी नहीं समझेगा, लेट अस एक्सेप्ट इट, मैं सिखा रहा हूँ, आप देखो ऑब्जर्व, जूना वीडियोस वापस देखना एक बार, ठीक है, बिकार एंड साला। ट्राई टू सॉल्व दैट। रूपाली रूपाली या रूपाली डांगले, प्लीज ट्राई टू मेंटेन क्लासरूम फोरम। सुशी पाटिल वेलकम बेटा, वेलकम, आज काय कारण है तुझ्याकडे? आपण पण कारण, कारण म्हणजे करण घेतो इकडे, दीप अँड करण,
आज पण उशिरा येण्याचं काय कारण आहे का? तो फर्स्ट पेज में हम लोग बनाएंगे, सब लोग काम करना चालू कर सकते हैं, प्रोफॉर्मा बना लो, मैं बात करते करते भी कर सकता हूँ, नहीं तो देखते बैठोगे रह जाएगा। फर्स्ट पेज वी विल प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। मेरे को थोड़ा सा एक लैपटॉप में होने की वजह से एडवांटेज है कि कंट्रोल सी कंट्रोल वी में मेरा काम होता है, इसको बोलते कॉपी एंड पेस्ट, तुम लोगों को लिखना होगा, इसीलिए थोड़ा सा आपको ट्राई करना पड़ेगा। कॉपी करता हूं उसका बुरा मत मानना, तुम जब टीचर बनोगे तुम भी कॉपी कर सकते। टीचर होने के बाद सारे काम जो पहले मना किए जाते सब अलाउड होते, स्टूडेंट हो तब तक मेहनत करना पड़ता। मैं मस्करी नहीं कर रहा हूँ, वेन यू ग्रो बिग तुम देखो तुम्हारे पेरेंट्स तुमको जो मत करो बोलते हैं ना, बहुत सारा चीज लोग करते भी है एंड यू कैन नॉट प्रोटेस्ट ऑल्सो क्योंकि दे आर बिग। वैसे ही टीचर्स लोग का भी हालत है, सबकी जिंदगी में ये चांस आता है, तुम भी कभी टीचर बनोगे, तुम भी कभी पेरेंट्स बनोगे, तुमको भी ये सब मौका मिलेगा, दूसरे को बोलने का मत करो और खुद करने का। ठीक है, कुछ जगह पर हम लोगों को सैक्रिफाइस करना पड़ता है, रुकना पड़ता है, वी हैव टू वेट, है ना। सो एवरीथिंग इज डन, सो वी हैव थ्री पार्टनर्स नाउ, दीप, करण एंड शुभम। बैलेंस शीट एज ऑन 1 अप्रैल 2018। There is a lot of sacrifices that your parents do. There are not many things that they are doing behind your back. तो इसलिए बहुत सारे sacrifices करते हैं। तो उतना उनका हक बनता है। There is nothing wrong. What I said was in a very simple, normal, practical way. वर्किंग नोट्स में पहला आता है कैश अकाउंट। रोहित दास आप हो क्या? रोहित दास क्या आप हो क्या? वेरी गुड। कल कितना वीडियो देखा आपने? हाउ मच वीडियो डिड यू लुक एट यस्टरडे? एक। अरे ये स्पीड में तो काम नहीं होने वाला है, मुझसे वादा किया है मैं सुबह उठकर काम करूंगा, जल्दी जल्दी कंप्लीट करके दिखाऊंगा। शिवानी लवकर जॉईन करायचं, 6:50 झाले, दिस इज नॉट हेल्पिंग यू। ओके माय डियर फ्रेंड्स, मेरा वर्किंग नोट सॉरी मेरा प्रोफॉर्मा रेडी हो गया, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट में न्यू आरडीडी ओल्ड आरडीडी लिख दिया, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में मैं लिखूंगा पार्टनर्स के नाम जो है दीप, करण, शुभम। पाटिल कुछ जवाब भी नहीं दिया कि मैंने पूछा तेरे को, ऐसा नहीं करने का बेटा, कुछ तो जवाब देने का, आज क्या हो गया, क्यों लेट आई, क्या हो गया, प्रॉब्लम क्या था, आई वेर यू लेट, कैश अकाउंट के डेबिट में लिखोगे। सृष्टि पाटिल है कि नहीं है?
कैश अकाउंट के डेबिट में लिखोगे टू बैलेंस डॉट फॉरवर्ड, गुडविल अकाउंट में तो कुछ लिखते नहीं। ओके दोस्तों, आप लोगों का प्रोफॉर्मा रेडी हो गया तो मेरे को एक बार थम्स अप या यस बोलो सो दैट आई कैन स्टार्ट विद द सॉल्यूशन पार्ट। आई एम रेडी। ओके नंदिनी इज रेडी, वेरी गुड। राजू सिंह रेडी, शुभम यादव रेडी। अरे शुभम नया पार्टनर का नाम है अपना इधर, क्या बात है, वाह। मिया बसेरा आपका रोल नंबर होगा कुछ बेटा, रोल नंबर अपने नाम के आगे ऐड करना है। देखो बाकी सब लोगों ने किया वैसे। जो लोग कॉन्फिडेंट है, जिन लोगों को लगता है आप लोग बिना मेरे मदद के गाड़ी चला सकते हो, आगे जा सकते हो, आपको कंसेप्ट समझ में आ गया है, यू कैन गो अहेड, आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम। All those students, those who have understood that concept, कि फर्क क्या है, वो भी समझ में आ गया, तो आप बिंदास आगे जा सकते हो, ठीक है? बाकी लोग रुको, मेरे साथ में अपन थोड़ा स्लो गाड़ी है, सबको साथ में लेके चलेंगे, हर स्टेशन पे रुकते रुकते जाएंगे। तो कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, जैसे ही हम लोग कैपिटल एडजस्टमेंट वाला एडजस्टमेंट पढ़ेंगे तो वर्किंग नोट नंबर 3 करना पड़ेगा। और मेरे लिए मतलब रुकने का जरूरत नहीं है, ये आपको आता है यू कैन डेफिनेटली गो अहेड। मैं उन लोगों के लिए लिखता हूँ थोड़ा स्लो जो लोग शायद नया ज्वाइन हुए हैं। हम लोग बोलते हैं लेट द टोटल प्रॉफिट बी ₹1, उसमें से हम लोग लिखेंगे शुभम शेयर, शुभम शेयर इज 1 × 1/5 विच इज 1/5। क्या हो गया अरिता इतना लेट? फिर हम लोग कैलकुलेट करेंगे बैलेंस प्रॉफिट्स, 1 − 1/5, सो दैट विल बी 5 − 1/5 दैट इज इक्वल टू 4/5। फिर इसको हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करेंगे बिटवीन दीप एंड करण इन द रेशियो ऑफ 3:1, तो दीप शेयर विल बी 3/4 × 4/5, 4 कैंसिल हो गया तो दीप का शेयर बचेगा 3/5, वैसे करंट शेयर विल बी 1/4 × 4/5, 4 कैंसिल हो गया तो 1/5, therefore न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ दीप करण एंड शुभम विल बी 3:1:1। क्या आता है क्या आपको? थम्स अप लिख के हो गया रहेगा तो देना, खाई मत करो। हम लोग आराम से बात करते करते सॉल्व करेंगे, एकदम इजी हो जाएगा मेरे दोस्त। परफेक्ट वर्किंग नोट नंबर कैलकुलेशन ऑफ प्रोपोर्शनेट कैपिटल। सो कैलकुलेशन ऑफ प्रोपोर्शनेट कैपिटल्स करते वक्त हम लोगों को क्या करना है आपको पता है, वी हैव टू राइट द नेम ऑफ द पार्टनर्स फर्स्ट। Who are they? They are Deep, Karan, Shubham.
न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। That is 3:1:1 कैपिटल डी और करंट का हम लोग कैलकुलेट करेंगे। शुभम का कैपिटल दिया है 20,000, सो दीप्स कैपिटल विल बी इज इक्वल टू 3 × 20,000 डिवाइडेड बाय 1, सो इट विल बी ₹60,000 एंड करंट कैपिटल विल बी 1 × 60,000 डिवाइडेड बाय 1, दैट इज सॉरी नॉट 60,000, 20,000, दैट इज ₹20,000। सो वी हैव कैपिटल 60,000, 20,000 एंड 20,000। सबका हो गया यहां तक लिखकर? मुझे कंफर्मेशन चाहिए। सुपर। तो जब भी आप रीएडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल्स देखोगे तो ये दो वर्किंग नोट पहले बनाओगे। चलो लेट अस स्टार्ट विद द गिवन क्वेश्चन। नाउ वी आर हैविंग क्रेडिटर्स, नो एडजस्टमेंट ऑन द लाइबिलिटी साइड, तो क्रेडिटर्स आउटर कॉलम 40,000, बिल्स पेबल आउटर कॉलम 10,000 एंड बैंक ओवरड्राफ्ट आउटर कॉलम 11,000। सिंपल है, लाइबिलिटी लाइबिलिटी साइड में आ गया, सिर्फ कैपिटल्स रहेगा। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट साइड दीप 60,000, करण 20,000 एंड शुभम, नया पार्टनर है तो कुछ नहीं मिलेगा उसको, अभी तक उसका कोई बैलेंस नहीं है, तो डैश जनरल रिजर्व। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट साइड 8,000 को 3:1 में अगर हम लोग डिवाइड करेंगे, 8,000 को 3:1 में अगर हम डिवाइड करेंगे तो आएगा 6,000 एंड 2,000। फिर से मैं बता रहा हूँ रेशियो में कैसा बांटने का, इसका मैंने पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट्स में अलग सा वीडियो बनाया है, आप आराम से जो लोग भी रहेंगे देखना कि एक अमाउंट को रेशियो में कैसा बांटता है। सिंपल, अगर आपको मैथ्स अच्छा है तो मैं ओरली बोलता हूँ, क्या करते हैं 3:1, रेशियो 3:1 है तो 3:1 4, तो शेयर 3/4 1/4 होता है, तो 8,000 × 3/4, 8,000 × 1/4 आपको आंसर आएगा 6,000 एंड 2,000। दिस वॉज फॉर दो स्टूडेंट्स हु हैव जॉइंड अस फॉर द फर्स्ट टाइम और मे बी दे आर डूइंग इट जस्ट नाउ। तो लाइबिलिटी साइड हमारा हो गया दोस्तों, कैश 40,000 दिया है, सो कैश अकाउंट के डेबिट साइड में टू बैलेंस ब्रॉट फॉरवर्ड 40,000। नेक्स्ट वी हैव सन्ड्री डेटर्स। डेटर्स हम लोग एकदम ऊपर कभी भी नहीं लिखते हैं, करंट एसेट है इसलिए उसको हमेशा थोड़ा सा नीचे लिखते हैं, आधे बैलेंस शीट के उधर। एडजस्टमेंट है इसीलिए इनर कॉलम में आएगा 32,000, और एडजस्टमेंट क्या बोलता है, क्रिएट न्यू आरडीडी एट द रेट ऑफ 5%, क्रिएट आरडीडी एट द रेट ऑफ 5%। तो 32,000 का 5% होगा 1,000,
लेस करोगे तो आएगा 30,400। यू आर रेडी? जब से एडजस्टमेंट को हाथ लगाया तो सेकेंड इफेक्ट दे देने का। न्यू आर डी डी 1,600। ओल्ड आर डी डी नहीं है, मैं यहाँ पर मेरे कन्वीनियंस के लिए 0,0 लिखता हूँ। आप डैश लिखोगे तो भी चलेगा, अंडरलाइन करो, आउट ऑफ कॉलम आएगा 1,600। वेरी सिंपल, लैंड एंड बिल्डिंग 16,000 दिया है। लैंड एंड बिल्डिंग फिक्स्ड एसेट है, तो ये फर्स्ट लाइन में आ सकता है, लैंड एंड बिल्डिंग। तो लैंड एंड बिल्डिंग हम लोग लिखेंगे इनर कॉलम में 16,000। एडजस्टमेंट बोलते हैं इट शुड बी अप्रिसिएटेड, सो एड अप्रिसिएशन। जैसा डिप्रिसिएशन लिखते हो वैसा अप्रिसिएशन। कोई बोलेगा सर मैंने प्रॉफिट लिखा है, कोई फर्क नहीं पड़ता, दैट्स ऑल हैविंग द सेम मीनिंग इन दिस चैप्टर। अप्रिसिएशन इज प्रॉफिट, सो इट्स फाइन। 16,000 का 20% होता है 3,200। ऐड करोगे तो वैल्यू हो जाएगा 19,200। समझा क्या दोस्तों? एकदम सिंपल है। अप्रिसिएशन हमारा प्रॉफिट है, प्रॉफिट है बोला तो रिवैल्यूएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में आएगा बाय लैंड एंड बिल्डिंग 3,200। स्टॉक 20,000 वापस करंट एसेट है, कुछ थोड़ा सा हम लोग नीचे लिखना पसंद करेंगे, डेटर्स के ऊपर लिखोगे तो भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। स्टॉक 20,000, स्टॉक पर क्या एडजस्टमेंट बोला है उन्होंने? तो उन्होंने बोला स्टॉक इज टू बी अप्रिशिएटेड एट द रेट ऑफ 5%। तो वापस यू कैन आइदर यूज वर्ड अप्रिसिएशन और यू कैन यूज द वर्ड प्रॉफिट। 20,000 का 5% अगर हम लोग कैलकुलेट करते हैं तो इट इज 1,000। ऐड करके आउटर कॉलम आएगा 21,000। कितना आ जाएगा? 21,000 प्रॉफिट हो गया है। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट साइड बाय स्टॉक 1,000। प्लांट एंड मशीनरी के बारे में हम लोगों को कुछ भी नहीं बोला है, तो कुछ नहीं बोला है तो बहुत अच्छी बात है। डायरेक्टली एसेट है तो एसेट साइड में जाने दो, नो चेंजेस एज सच। ओ दिया है प्लांट एंड मशीनरी, प्लांट आउटर कॉलम डायरेक्ट भी फर्क नहीं पड़ेगा 30,000। और अगर हम लोग बात करें फर्नीचर के बारे में, फर्नीचर के बारे में बोला है कि यू हैव टू चार्ज डेप्रीसिएशन। तो फर्नीचर इनर कॉलम 11,000। नाउ आइदर यू कैन से डेप्रीसिएशन और यू कैन से लॉस। मैं बता दिया, बार बार नहीं बोलूंगा, आपको जो अच्छा लगता है वो आप लिख सकते हो, इसमें कोई मार्क्स ऊपर नीचे नहीं होगा। डेप्रीसिएशन एट द रेट ऑफ 20%, तो 11,000 का 20% अगर हम लोग कैलकुलेट करें तो इट विल बी 2,200। 11,000 में से 2,200 माइनस हुआ तो बचेगा 8,800। तो लोग आगे आगे चल रहे हैं। आई होप दैट यू हैव डन ऑल द थिंग्स प्रॉपरली। डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट साइड टू फर्नीचर अमाउंट विल बी रुपीज 2,200। जस्ट होल्डिंग बैक माई सेल्फ एंड आस्किंग, क्या आपका यहां तक लिख के हो गया क्या?
ओके एनीबडी हैविंग एनी काइंड ऑफ इश्यूज कैन लेट मी नो, नहीं समझ में आ रहा है तो पूछो अभी के अभी, लिखते वक्त आई विल बी एबल टू सॉल्व योर डाउट्स इंस्टेंटली. एडजस्टमेंट में मैंने हमेशा से बोला है दो ही एडजस्टमेंट आता है एडमिशन ऑफ पार्टनर में, कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूशन आता है और दूसरा गुडविल वाला आता है. कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूशन के लिए हम लोग बोलेंगे कैश अकाउंट डेबिटेड टू शुभम्स कैपिटल अकाउंट, कैश अकाउंट डेबिटेड टू शुभम्स कैपिटल अकाउंट. कितना कैपिटल लाया है उसने? 20,000. पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में हम लोग लिखेंगे बाय शुभम्स कैपिटल अकाउंट. बीच के कॉलम में डैश, करण के कॉलम में डैश और शुभम के कॉलम में अमाउंट विल बी रुपीज 20,000. Oh, sorry. Thank you so much, Ananya. Thank you for this correction. Yes, it will be by cash account. Yeah, it was my mistake. By cash account, Shubham ke column mein 20,000. Phir usne goodwill ke liye paisa laya hai. Kitna paisa laya goodwill ke liye? 10,000. Kitna laya hai? 10,000. हम लोग दो एंट्री पास करेंगे, एक होगा कैश अकाउंट डेबिटेड टू गुडविल अकाउंट, एक होगा कैश अकाउंट डेबिटेड टू गुडविल अकाउंट. गुडविल अकाउंट की क्रेडिट साइड में आएगा बाय कैश अकाउंट. एकदम सिंपल है, कैश अकाउंट डेबिटेड टू गुडविल अकाउंट, तो कैश के डेबिट में आएगा और गुडविल के क्रेडिट साइड में आ जाएगा. और दूसरा एंट्री बनता है गुडविल अकाउंट डेबिटेड टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. हु आर द ओल्ड पार्टनर्स? दे आर नथिंग बट दीप एंड करण. 10,000 को 3:1 में अगर हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो अमाउंट कितना आएगा आप लोग बताओ दोस्तों. ओके थैंक यू स्नेहा. 7,500 एंड 2,500. सब लोगों ने कैलकुलेट करना दोस्तों. 10,000 पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में हम लिखेंगे बाय गुडविल अकाउंट. 7,500 and 2,500 शुभम के कॉलम में एज यूजुअल नील. बताओ हो गया क्या लिखकर? ओके नाउ देन रीएडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल्स वाला एडजस्टमेंट आया है तो रीएडजस्टमेंट हमने 60,000, 20,000, 20,000 कैलकुलेट किया है. तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में लास्ट लाइन, हमेशा लास्ट लाइन, बहुत ऊपर नहीं लिखने का. टू बैलेंस कैरी फॉरवर्ड, डीप के कॉलम में 60,000, करण के कॉलम में 20,000 और शुभम के कॉलम में भी 20,000. और बैलेंस शीट लाइबिलिटी साइड में आप लिखोगे कैपिटल. आज बहुत सारा डिस्टर्बेंस आ रहा है. नारायण साहू आप अनम्यूट मत करो लेक्चर में जब आप हो, इट विल डिस्टर्ब एवरीवन. दीप 60,000, करण 20,000 एंड शुभम
हाँ लिख सकते हो अच्छा उसे, दैट इज गुड हैबिट, भूल गया लिखने को, बट यू कैन डेफिनेटली राइट 20,000 बिकॉज वी हैव कैलकुलेटेड इट इन आवर वर्किंग नोट नंबर 4। ओके आई मेड अ मिस्टेक हियर, बात करते करते हमारे पास इनर कॉलम है तो वी कैन बेटर राइट इट इन इनर कॉलम इटसेल्फ 60,000 20,000 20,000 टोटल 1 लाख। ओके सो दिस इज वेयर वी हैव कम अप टू। यहाँ पर आप जैसे सजेस्ट किया है किसी ने, यू कैन राइट नो प्रॉब्लम्स वर्किंग नोट नंबर से। तो हमारा रीएडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल्स वाला काम भी हो गया। अब आगे का लास्ट काम एकदम सिंपल वाला काम है, अकाउंट्स क्लोज करने वाला काम है। तो अगर हम लोग रीवैल्यूएशन अकाउंट देखे तो क्रेडिट में 4,200 दिख रहा है, ये 3,800 दिख रहा है। दिख रहा है क्या? एकदम ओरल कैलकुलेशन है। तो क्रेडिट ज्यादा है 4,200, लेस करोगे तो आपको प्रॉफिट का फिगर मिलेगा। टू प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन देखेंगे तो 400 रुपए का प्रॉफिट हुआ है। तो विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन दीप एंड करण इन द रेशियो ऑफ 3:1। एकदम सिंपल सा कैलकुलेशन, 400 को 3:1 में बांटना सबसे आसान है, ओरल है। यस इट विल बी 300 एंड 100। वेरी सिंपल। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में लिखते वर्क बाय प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, इट के कॉलम में 300, करंट के कॉलम में 100 और शुभम के कॉलम में डैश। हो गया, यहाँ तक सब स्टेप सेम था। अब आखिरी स्टेप आता है, दीप का कॉलम अगर हम लोग क्लोज करें तो 66 प्लस 7 73,800 आ रहा है टोटल क्रेडिट का। ठीक है, आप लोग आराम से कैलकुलेट कर सकते हो, 73,800 टोटल लिखेंगे हम लोग, डिफरेंस आएगा 13,800। इसका अगर हम लोग देखेंगे तो 24,600 आएगा। यस -20,000 करोगे तो 4,600, और नया पार्टनर का तो हमेशा टैली होता है 20,000, कुछ भी डिफरेंस नहीं आएगा। ये जो डिफरेंस है आज का लेक्चर का, यही बात है कि उन्होंने बोला है इट मस्ट बी ट्रांसफर टू कैश अकाउंट। कहाँ ट्रांसफर करने बोला इसको? कैश अकाउंट। तो कैश अकाउंट की क्रेडिट साइड में आप लिखोगे बाय दीप्स कैपिटल अकाउंट, अमाउंट था 13,800 और बाय करंट कैपिटल अकाउंट, इतना अमाउंट था 4,600। तो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हाँ बाय ओल्ड पार्टनर्स इज ऑल्सो फाइन, बट सिंस इट इज नॉट प्री डिसाइडेड, जरूरी नहीं है कि दोनों का आपको क्रेडिट बैलेंस ही आएगा। ऑलवेज रिमेम्बर, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्लोज करते वक्त जरूरी नहीं है कि क्रेडिट ही ज्यादा हो। समझो डेबिट ज्यादा हुआ तो टू कैश बाय कैश आ सकता है, तो एट दैट टाइम फिर इट विल लुक ऑड, सो अवॉइड हेडिंग इन द लास्ट। अनिश आई होप यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग। ओके या सो अलग अलग लिखना इजी होता है। अब कैश अकाउंट एज यूजुअल हम लोग क्लोज करेंगे 40 और 20 60 और 1 10 70,000।
और बैलेंस आएगा पाई बैलेंस कैरी फॉरवर्ड। और 8 14 6 51,600 करेक्ट। यू राइट कैश अकाउंट पैकेट में वर्किंग नोट नंबर 1 51,600। खाई मत करना, कभी भी याद रखना खाई मत करो दोस्तों। मैं जानता हूँ गुडविल अकाउंट टैली होता है, लेकिन एक केस है जहां पर गुडविल अकाउंट में भी बैलेंस आता है। कौन से केस में गुडविल अकाउंट में बैलेंस आता है दोस्तों? कौन से केस में गुडविल अकाउंट में बैलेंस आता है? यस व्हेन गुडविल अकाउंट इज रेज्ड। इसलिए प्रोसेस स्टेप्स ना कभी भी ना शॉर्टकट मत मारना, क्योंकि शॉर्टकट मारोगे तो खतरा है। हाँ हो गया गुडविल। अब आएंगे बैलेंस शीट के तरफ। लाइबिलिटी का तो ओरल बोल सकता हूँ, 1,40 1,50 1,61,000 टोटल है। एसेट्स का कोई मेरे को कंफर्म करके बताओ, 1,61,000 टोटल आ रहा है क्या? इतना बेसिक बेसिक सिंपल चैप्टर है मेरे दोस्तों, इतना स्मूथ चैप्टर आपको कोई नहीं मिलेगा। बेसिक्स अच्छा रखो, आई एम वेरी श्योर दैट यू विल बी एबल टू क्रैक द क्वेश्चन वेरी वेरी इजीली। इट्स इजी बिकॉज यू नो इट क्वेश्चन। आई टेल यू अगेन, आई रिपीट माय वर्ड्स एंड आई एम थैंकफुल टू यू बिकॉज यू फील इट्स इजी।